बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गर्मा गर्म मज़ेदार सा गाजर का हलवा। सर्दियाँ हैं तो सर्दी में गाजर का हलवा जो है बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार लगता है, तो मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। बहुत अथेंटिक मज़ेदार सी है और इसके लिए मैंने लिए तकरीबन 4 किलो मेरे पास गाजरें थी, जिनको मैंने अच्छे से ये देखें कद्दूकश कर लिए, ग्रेट कर लिए। चाहे तो आप मशीन से कर लें, हाथ से कर लें, जैसे आपको ईजी लगे। तो हलवा मज़ेदार सा और काला ना हो वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए ये आपको मैं टिप देती जाऊँ कि जब भी आप हलवा बनाएं तो सबसे पहले जब आप गाजरों को ग्रेट कर रहे हो तो उससे धोने के बाद, ग्रेट करने के बाद उसको पानी में डाल दें। उस पर आपका जब बनाएंगे तो आपका कलर जो है वो ब्लैक नहीं होगा, वो बहुत ही मज़े का, जैसे वो आप बेकरी से लेके आते होते हैं हलवा, वो उस तरह उस शक्ल में बनेगा। अगेन टिप नंबर 2 जो है वो है बनाने का बर्तन। कभी भी गाजर का हलवा जो है बनाते वक्त आपने स्टील उसका सॉरी सिल्वर का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सिल्वर के बर्तन में जो है वो हलवा काला हो जाता है, वो मज़े का नहीं लगता है। तो जब भी आप इसको बनाएं, या तो आप इसको स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बनाएं या फिर नॉन स्टिक में बनाएं। तो आज मैं इसको बनाने जा रही हूँ नॉन स्टिक की कढ़ाई में। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर के हलवा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने देखें कि गाजर मैंने जो ग्रेट की हुई इनको मैं अपने डालूंगी पैन में। मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ, जस्ट इसको पानी में मैंने डाल के तो अब मैं इसको ये पैन में डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गाजरें हमने डाली थी जो कढ़ाई में, वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई, तो अब हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें साबुत इलायची डाल रही हूँ थोड़ी सी, ऐसे हाथों से तोड़ के। इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। और ये तकरीबन मेरे पास 4 किलो के करीब गाजर थी, तो मैंने इसमें 2 कप ये इस तरह के बड़े वाले भर के मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। आप हसबे जायका चीनी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी को आप कम ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप इसमें खोया इस्तेमाल कर रहे हैं मीठा वाला तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 2 भर के मैंने अभी डाल दी है इसमें। अब और कुछ भी मैंने नहीं करना है, जस्ट इसको मैंने चीनी डाल के, इलायची डाल के मैंने इसको मिक्स कर देना है। और इसको मैंने पानी के खुश्क होने तक इसको मैंने ऐसे ढांप के रख देना है, ताकि ये गाजर जो है चीनी के पानी में जो अपना इसका पानी छोड़ेगी उसमें ये गल जाएगी और अच्छे से खुश्क हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे फिर पानी खुश्क होने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तकरीबन मेरे 1 से 2 घंटे हो गए पानी खुश्क होने में। तो ये गाजरों की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा होंगी तो पानी भी उतना ही ज़्यादा होगा, तो टाइम भी उतना ही लेंगी। अब ये देखें बिल्कुल जो है वो पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसकी फ्राइंग की तरफ आएंगे कि इसको हमने फ्राई कैसे करना है। ये देखें बहुत अच्छे से गाजरें जो है हमारी सॉफ्ट हो गई हैं और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इनमें से। और अब हम इसको फ्राई करते हैं देसी घी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पानी बिल्कुल हमारा ये गाजरों में से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें ऑप्शनल है, अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है या खोआ नहीं है इसमें डालने के लिए, तो आप इसमें इस पॉइंट पे आप इसमें दूध भी डाल के इसको दूध के साथ भी फ्राई कर सकते हैं अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जो है हमारा वो बिल्कुल ड्राई हो गया। ये देखें बिल्कुल ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। ये देख लें पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच देसी घी जो है वो डाल दिया है। और घी हमेशा आपने गर्म करके डालना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और इस पॉइंट पे अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें बनस्पति घी भी जो है अच्छे वाला वो शामिल कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए और हलवा हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो देसी घी में फ्राई हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। देखें फ्राई होने के लिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जब ये अच्छे से हलवा जो है देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा साइड्स पर ये घी छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि ये फ्राई हो गया। ये देखें ये फ्राई होने के क्या, ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये घी ऐसे इस तरह से आपको पता चलेगा कि हलवा हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें खोआ शामिल करते हैं। ये होममेड खोआ है, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, प्लीज़ आप उसको भी जरूर वॉच कीजिएगा कि ये कैसे बनता है। ये हमने इसमें शामिल कर देना है, फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। थोड़ा सा मैं ये बचा रही हूँ इसके,
जब मैं डिश आउट करूँगी तो मैं इसमें इसको डालूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, अब हल्के से इसको मिक्स करके खोआ आप हंस की जरूरत कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर दिए, अब इसको मैंने 2-3 मिनट जो है वो डाल के रख देना। जी तो फ्रेंड्स, हमारा ज़बरदस्त मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।